Assalamualaikum welcome to all. Today our lecture is on IFS 5, that is chapter number 14. So हम लोग sequence में सारे chapter number 1 से start किया था हमने, हम लोग कर रहे हैं. और अब हमारा जो है वो last जो हमने जो किया था chapter number 12 किया था. और अब chapter number 13 already हम we have done with the consolidation. So अब chapter number 14 हम करेंगे. ये जो chapter है ये base करता है IFS 5 पे, नॉन करंट एसेट हेड फॉर सेल. जस्ट एक ब्रीफ आइडिया कि अगर आप लोग चाहें चाहते हैं कि क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ज्वाइन की जाएं, तो काइंडली आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपको जो है वो रेलिवेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर लेंगे, जहाँ पे हम इसके जो है वो जो मीटिंग्स आईडीज वगैरह जो है वो शेयर करते हैं. तो आप जो है हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हैं. आपके जहन में जो क्वेश्चन वगैरह हों रेलिवेंट टू करंट टॉपिक्स और प्रीवियस टॉपिक्स, तो वो हम जो है वो ऑनलाइन जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं. और जब वो डिस्कशन होगी तो डेफिनेटली दूसरे लोगों से फ़ायदा उठाएंगे. और एक बात आपसे जो शेयर करनी हो ये है कि काइंडली ज़रा इसको यूट्यूब जो चैनल है हमारा, इसको ज़रा सा आप ज़रा सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि ये एक चैनल अवेलेबल है जिसपे आपको जो है घर बैठ के आप एनी टाइम जो है आप अपने जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपने चीज़ें जो है अपडेट्स कर सकते हैं. ठीक है जी, तो जितना आप इसको शेयर करेंगे लोग इसको देखेंगे, लोगों को फ़ायदा होगा, तो इंशाल्लाह आपको इसका रिवार्ड अलग अलग देगा. तो ये कोशिश है हमारी, तो जितने लोग इससे नसीब हो सके. चलिए जी, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट मतलब लास्ट लेक्चर जो हुआ था ना, उस पर जो हमने लास्ट मेकल किया था वो शायद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पहले मैंने उसको सही किया है, बाद में वो एक स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा क्वेश्चन किया था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया और उसमें थोड़ा सा ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. तो वो क्वेश्चन जो है वो पहले मैं दोबारा करता हूँ. शेयर बेस्ड पेमेंट का लास्ट क्वेश्चन जो मेरी पिछला लेक्चर था ना, शेयर बेस्ड पेमेंट का पार्ट टू ऑफ IFRS 2, उसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो जरा मैं दोबारा करूँगा ताकि वो उस कंफ्यूजन हो जाए. शायद वो उस पिछले लेक्चर में उसकी क्वेश्चन जो है वो शायद वो गलत हो गई है. तो पहले वो क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद जो है हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे. ये जी वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जून का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने किया था, उसकी क्वेश्चन मैं दोबारा कर देता हूँ. पिछले जो जो लेक्चर्स है उसको जरा इग्नोर कर दीजिएगा काइंडली. क्वेश्चन क्या है जी, पढ़ते हैं इसको. कहता था फॉलोइंग आर द डिटेल फॉर ट्रांजेक्शन फॉर P&L. ऑन फर्स्ट जनवरी 1st P&L अप्रूव्ड, P&L अप्रूव्ड शेयर बेस स्कीम फॉर इट्स इंप्लाइज हु हैव कंप्लीटेड 5 years विद PL. तो जो बंदा 5 साल पूरे करेगा उसको हम ये प्रूफ देंगे. अंडर द स्कीम द एम्प्लाई विल इशूड 1000 शेयर्स. तो एक बंदे को जो है 1000 शेयर मिलेंगे जिसकी आज की वैल्यू जो है वो हैविंग पार वैल्यू जो है वो 50 रुपये है, जिससे हमारा कोई लिंक नहीं है. एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर 3 years कंजक्टिव सर्विसेज, जिसकी 3 साल की जो है वो कंजक्टिव सर्विसेज को होगी उसको 5 साल के बाद हम शेयर देंगे. देर आर नो कंडीशन अटैच अदर देन कंटिन्यू सर्विसेज टिल डेट ऑफ शेयर्स. On grant date on 1st January 2000 total price eligible for the scheme is 100. तो वो उसके total price जो है वो 100 है. हमने कहा है कि 3 साल की consecutive service आपकी होगी तो उसको हम जो है ये shares मिलेंगे, 1000 शेयर पर employee को मिलेंगे, हमारे पास 2 employees हैं. और उसमें हमने कब देने हैं उसको, हमने हमने देना है अंडर द स्कीम जो है उसको 5 years. Employee who have completed 5 years, जिसके 5 साल पूरे होंगे और consecutive 3 साल पूरे होंगे, ठीक है, उसको हम देंगे. Initially, PL expected that none of the eligible employees will leave PL during the 3 years. उन्होंने कहा 3 साल तक तो कोई बंदा छोड़ के जाने वाला नहीं है. However, 5 eligible employees left PL during 2021. तो 2021 में जो पहला साल था हमारा, उस पहले साल में क्या हुआ, हमें पता लगा कि जनाब पहले साल में जो है वो 5 बंदे हमारे वो छोड़ के चले गए. Now expected that further 4 and 3 employees will left 2022 और 2023. अब ये जो है ये कंजेक्टिव 3 साल है,
कंजेक्टिव 3 साल के अंदर हमने क्या देखा, हमने कहा 5 बंदे ये छोड़ के गए, 4 ये और ये 3 ये, तो 9 बंदे जो है हमारे छोड़ के चले गए। नाउ फेयर वैल्यू ऑफ पीएल शेयर एट द ग्रांट डेट, ग्रांट डेट पे जो वैल्यू है उसी से हमारा लिंक होता है, वो कितनी है हमारी 250 है, विच हैज इंक्रीज 265, तो उससे इंक्रीज होने का फर्क नहीं पड़ता। इक्विटी शेयर स्प्रेड प्रीमियम हम क्या करते हैं, हम लोग जो है वो ग्रांट डेट की जो फेयर वैल्यू है उसी को यूज करते हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे हम 240 को यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या इसकी जो है आप कहते हैं निकाल दें, प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट रेलिवेंट टू द अबव ट्रांजैक्शंस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंपेयर्ड विद इनकम ऑन 31 दिसंबर 2021। तो पहले साल के एंड पे बताते हैं हम क्या होगा। अब करना हमने क्या है, हमने क्या निकालना है, हमने शेयर बेस्ड पेमेंट निकालनी है। कौन से साल की निकालनी है, हमने एक पहले 2021 की निकालनी है, फर्स्ट ईयर की निकालनी है। उसके लिए होगा क्या, हम क्या करेंगे, हम पूरे पहले खर्चा निकालेंगे, पूरे 5 साल में खर्चा कितना है। अगर एक एम्प्लॉय को 1,000 शेयर दें तो हमारा टोटल खर्चा कितना आएगा, पहले हम टोटल खर्चा निकालेंगे, पूरी ट्रांजेक्शन का खर्चा निकालेंगे। वो क्या होगा, हमने कहा हमारे पास 1,000 एम्प्लॉय है, हमने कहा जनाब इसमें से क्या होगा कि 100 एम्प्लॉय जो हमारे पास टोटल है उसमें से एक 5 छोड़ के जाएंगे, फिर इसके 4 छोड़ के जाएंगे और फिर 3 छोड़ के जाएंगे। तो इसका मतलब क्या बचा, बाकी कितने बचे हमारे 88 एम्प्लॉय जो है हमारे बाकी बचेंगे जो निकल जाएंगे पूरे। हम देख रहे हैं कि 3 साल के अंदर क्या होने वाला है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम आज की वैल्यू से, आज की वैल्यू क्या है वो 240 है, तो ये हमारा टोटल खर्चा निकल आएगा। अगर मैं जब मैं ये कैलकुलेशन करता हूँ ना, तो ये खर्चा कितना निकलेगा, ये मैं टोटल खर्चा निकल आएगा 3 साल का, ठीक है जी। तो ये हमारा जो खर्चा निकला है हमारा खर्चा 3 साल का है। अब यहां पे देखें, अब हमने चाहिए 1 साल का खर्चा, ठीक है जी, हमें इसको 1 साल का निकालना खर्चा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 1/3 करेंगे तो हमारा 1 साल का खर्चा निकल आएगा। वन बाय थर्ड करेंगे इसको हम, तो हमारा इसका आंसर निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा, मैंने शायद उधर 1/5 कर दिया था पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि ये खर्चा जो है बेसिक हमारा कंजेक्टिव, हमारी कंडीशंस क्या हैं, हमारी कंडीशंस है 3 साल की कंजेक्टिव, 3 साल उसने वापस रहना है, शेयर्स हमने 5 साल के बाद देने हैं। तो ये जो मैंने खर्चा निकाला है, जो टोटल पीरियड हमारा, वो पीरियड जो है वो 3 साल का है, तो 3 साल के हमारा ये एक्सपेंस है, तो उसको 1/3 करेंगे तो हमारा 1.5 साल का खर्चा निकल आएगा। तो वहाँ पिछले पिछले क्वेश्चन में शायद 1/5 कर दिया था, तो वो उधर ना हमारा गलत हो गया था, ठीक है जी। तो ये जनाब इसका यहाँ पे इसका आंसर निकल आएगा। चलें जी, तो ये मैंने आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, पिछले जो मेरे लेक्चर था उसके अंदर ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलें जी, आज का लेक्चर जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो हमारा है वो अब हम आज स्टार्ट करने लगे जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर नंबर 14 जो है चैप्टर नंबर 14 जो है हमारा, 1 मिनट, वो है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ठीक है जी। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, किसी भी कंपनी के पास नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट नॉर्मली आपके पीपी होते हैं, तो पीपी के अंदर आप नॉन करंट एसेट्स रखते हैं, उसको आप काउंट करते हैं आई एस 16 के तहत आप उसको बुक करते हैं पीपी स्केड्यूल में। अब होता क्या है कि ये एसेट्स आप यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपका मूड होता है कि यार चलो इसको बेचें और मैंने नया ले, तो जैसे ही आप अपना मूड बदलते हैं आप कहते हैं यार मैंने ये एसेट सेल कर देना है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये एसेट जो है अब अपने हेड अपने पास रखे हुए, लेकिन क्यों रखे हुए, अपने इसको सोल्ड करना है, तो कहता है अब इसको आप IAS 16 से निकाल लें, IAS 16 से निकाल के इसका ट्रीटमेंट जो है वो आप इसको IFRS 5 पे ला के इसका ट्रीटमेंट करें। अब IAS 5 क्या कहता है, वो कहता है यार ये जो एसेट्स आपने पहले IAS 16 में रखे थे इसको आप डेप्रिशिएट कर रहे थे, अब इसको सेल करना चाहते हैं, तो पहली बात ये है कि जब सेल करना चाहते हैं तो इस पर डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं होगी, क्योंकि आपका मूड ही नहीं है इसको मोर देन 1 ईयर रखने का, तो आप इसको डेप्रिशिएशन चार्ज करना इमीडिएटली बंद कर दें, पहली चीज। दूसरी चीज को कहता है कि आप इसको फेयर वैल्यू पे ले आए, क्यों, आपने जितने का उसको बेचना है उतनी वैल्यू पे उसको होना चाहिए,
नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी हमारी जो कैरिंग वैल्यू होती है वो भी वही मार्केट प्राइस ही होती है। अब अगर हमारी मेरी कैरिंग वैल्यू 1 लाख है और उसकी मार्केट वैल्यू अगर 10,000 है तो मैं उसको पेमेंट करके 10,000 रुपये लेता हूँ, तो नॉर्मली वही वैल्यू होती है। लेकिन अगर वो कहता है फिर भी आप ऐसा करें उसको फेयर वैल्यू कर लें, क्योंकि अब आपने इसको बेचना है और आपको पता ना चाहिए मार्केट में कितने का बिक जाएगा। और उसके बाद देखें कि जब आप इसको बेचेंगे तो आपकी कुछ कॉस्ट भी एक्सेड होगी, आप ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा या कोई कमीशन देना पड़ेगा, इस तरह के कुछ खर्चे होंगे वो आप माइनस कर लें, तो आपको पता चल जाएगा यार ये वैल्यू इसकी कितनी है जो हमें इसको इसको बेच के में हमें हमारे हमारी पॉकेट में आ जाएगी। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल आप निकाल रहे हैं और फिर आप देखिए कि इसकी कैरिंग वैल्यू क्या आ रही है, तो उसका जो डिफरेंस है वो पीएनडी को चार्ज करना है। अब आपका एसेट आ गया फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे आ गया। अब कहता है इसको आपने पीपी में तो रखना नहीं क्योंकि A16 में तो रहा नहीं है। अब इसको क्या करें, अब इसको करंट एसेट के नीचे ले आए क्योंकि करंट एसेट हो गया ना आपका, आपने इसको सेल कर देना है। तो अब क्या करेंगे आप इसको पहले जो इसकी इसकी प्रेजेंटेशन होगी बैलेंस शीट के अंदर वो आफ्टर करंट एसेट जो है आप इसको इसी नाम से दिखाएंगे, नॉन करंट एसेट एट फॉर सेल। बस ये इसका लॉजिक है, इसके इसी लॉजिक के ऊपर ये पूरा स्टैंडर्ड जो है घूमता है। अब इसमें एक चीज हो रहा है कि वो कहता है कि जब आप इसको इस साल अगर मैंने 2022 है अभी चल रहा है, मैंने इस अभी डिसाइड किया कि यार मुझे ये ऐसे सेल करना है और इसको जो है मैं 2022 की जो बैलेंस शीट बनेगी 31 दिसंबर को उसमें मैं ये नॉन करंट एसेट हेड फॉर सेल में इसको ला के नीचे अपने करंट पोर्शन में दिखाऊंगा। अब जो कंपेरेटिव डाटा होगा वो कंपेरेटिव फिगर जो है वो तो पीपी में पड़ी होगी, क्या क्वेश्चन ये है कि क्या वो भी मुझे नीचे लेके आनी है, क्या उसको भी मुझे वहां से निकाल के कंपेरेटिव डाटा को IA-16 से निकाल के पीपी स्केच से निकाल के पिछले साल की फिगर जो है वो मुझे नीचे नॉन करंट एसेट हेड फॉर सेल के ऑपोजिट में दिखानी है कंपेरेटिव। तो स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं इस तरह ना करें आप, अब जो ऊपर वाली फिगर जो पिछले साल का डाटा है उसको वहीं पे रहने दें ताकि लोगों को पता चले गया पिछले साल एसेट जो था ये ऊपर पड़ा हुआ था पीपी में पड़ा हुआ था और इस साल जो है ये कन्वर्ट होकर नीचे आया। ठीक है, ये तो कंपेरेटिव जो है वो आप चेंज नहीं करेंगे, कंपेरेटिव उसी तरह लगा रहेगा वहाँ पे, वो जो स्केड्यूल है आपका IA-16 का वहीं पे नजर आएगा। और यहाँ पे जो होगा आपका वो नीचे करंट ईयर में जो है करंट साल जो है उसमें आपको इसको करंट एसेट के बाद जो है नॉन करंट एसेट हेड फॉर सेल के नाम से आप शो कर देंगे और इसका आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये इसका कॉन्सेप्ट है बेसिक सा। अब एक चीज और मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि देखिए जी इसमें स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है आपसे कि तीन तरह की चीजें आपके पास। अब मैं अगर IFRS 15 की बात करूं तो स्टैंडर्ड्स में तीन चीजों की बात करेगा। पहली चीज क्या बात करेगा, वो कहेगा आपका एक इंडिविजुअल एसेट्स है, मेरे पास एक इंडिविजुअल एसेट है मैं उसको सेल करना चाहता हूं, या मेरे पास ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं मैं उनको सेल करना चाहता हूं। बाज का तो होता है ना कि पूरी ब्रांच सेल करनी है मैंने, अब ब्रांच के अंदर ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं, उसके अंदर फर्नीचर है, एसीज है, बहुत सारी चीजें मेरे पास, तो मैं कहता हूँ यार ग्रुप ऑफ एसेट्स है, मैं अगर सिर्फ एसी अलग बेचूं, मैं फर्नीचर अलग बेचूं तो मुझे उतना पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर पूरी ब्रांच में कोई पूरी ब्रांच है इसके अंदर हर चीज आप ले लो तो मुझे उसके ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो मैं ग्रुप ऑफ एसेट भी सेल कर सकता हूँ, मैं इंडिविजुअल एसेट भी सेल कर सकता हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है मैं गाड़ी को सेल करना चाहता हूँ तो इंडिविजुअल एसेट्स। तो ये दोनों तरीकों को देखेंगे कि हम अगर हम एक एसेट सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम ग्रुप ऑफ एसेट सेल कर रहे हैं तो क्या होगा। और बात क्या होता है कि आप जो है वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन होता है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन तो यहां पे डिसकंटिन्यू ऑपरेशन होता है तो कोई आपका ऑपरेशन है उसको आप जिस तरह मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं लाहौर में बैठा हूँ, अब लाहौर में बैठा हूँ मेरी ब्रांच जो है वो कराची में, मैं चाहता हूँ यार कराची की ब्रांच जो है वो बंद करते हैं, या कराची में एक फैक्ट्री है मैं कराची की फैक्ट्री बंद करना चाहता हूँ, तो वो क्या है वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है। फैक्ट्री एकदम तो बंद नहीं हो जाएगी, थोड़ा टाइम चाहिए, मैं बायर ढूंढूंगा, 100 किस्म के मसले मेरे सारे मैंने पूरे करने हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें, तो वो जो ऑपरेशन है मैं उसको कहता हूँ वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है। तो वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन जो है वो भी जो है वो आपका नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में आ जाएगा। ठीक है जी, अब इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग जो है वो तीनों की एक ही तरीके से होगी, अकाउंटिंग में कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं है। हमने अकाउंटिंग कैसे करनी है, हमने वही करनी है जो मैंने अभी आपसे बात की कि हम क्या पहले क्या करेंगे, हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे लेके आएंगे, हम अपने तमाम इसकी इसकी जो वैल्यूज है उसकी वैल्यूज कहाँ पे लेके आएंगे, फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल में लेंगे, उस कैरिंग वैल्यू से उसको देखेंगे बुक्स पे क्या वैल्यू आ रही है, उसका जो डिफरेंस होगा वो पीएनएल में चलेंगे। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि यार तीन चीजें आ रही हैं तो तीन चीजों के डिफरेंट ट्रीटमेंट होंगे, कोई ट्रीटमेंट डिफरेंट नहीं है, तीनों का एक ही ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तीनों का सेम है।
ठीक है जी। अब प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क आएगा। प्रेजेंटेशन जो है वो मैंने आपको बता दी कि प्रेजेंटेशन क्या होगा कि यहाँ जो पहला पहला केस है हमारा, इसकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो सेम होगी। हम क्या करेंगे इसको हम करंट एसेट में शो करेंगे, करंट एसेट में शो करेंगे, लेकिन करंट एसेट में हम इसको इसके नाम से शो करेंगे, नॉन करंट एसेट हैंडफुल के नाम से। इसको हम इन्वेंट्री या उधर उधर मर्ज नहीं कर देंगे, उसको अलग से शो करेंगे। जहाँ पे करंट एसेट खत्म हो गए उसके बाद हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट हैंडफुल सेल और उसके अंदर ये आ जाएगा। ग्रुप ऑफ एसेट जो है वो भी सेम होंगे, इसी तरह करंट एसेट होगा। अब इसके अंदर ग्रुप ऑफ एसेट में हो सकता है कुछ लाइबिलिटीज भी हो, तो जो लाइबिलिटीज होंगी वो लाइबिलिटीज जो है वो आप अलग से लाइबिलिटीज में शो करेंगे करंट लाइबिलिटीज में, उसको आप नेट करके शो नहीं करेंगे। आप कहेंगे यार एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी कम है, तो आप नेट करके ऐसे शो कर देते हैं, तो ये स्टैंडर्ड आपको मना कर रहा है, कहता है यार सेट ऑफ नहीं करना है इसको। आप जो लेटेस्ट एसेट्स है लाइबिलिटीज हैं वो ग्रुप ऑफ एसेट्स में लाइबिलिटी को आप अलग शो करें करंट लाइबिलिटीज में, और एसेट्स को आप एसेट में करंट एसेट में शो करें। इसी तरह जो डिसकंटिन्यू पेशेंट्स हैं उसको भी उसने कहा कि आप ऐसे तो शो करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज क्या है, उसने कहा यार इसमें पी एंड एल भी बनाओ, आप यहाँ पे आपको एक पी एंड एल बनाना है। पी एंड एल क्या बनेगा आपका, आप बताओगे कि यार जो आपका ऑपरेशन चल रहा था, आपने कहा था मेरी एक फैक्ट्री लाहौर के अंदर, एक फैक्ट्री कराची में, कराची वाले को बंद कर रहे हैं, तो आप कराची वाले की जो एक्टिविटीज हैं, जो सेल परचेज डेफिनेटली एकदम तो बंद नहीं हुई है, कुछ चीजें वहाँ पर हुई, सेल भी हो रही है, परचेज भी हो रही है, फैक्ट्री चल भी रही है, कॉस्ट ऑफ सेल भी लग रहा है, तो वो सारे वो कहते हैं सारे एक्सपेंसिज जितने भी आपके होने पूरा पी एंड एल जो है वो नोट्स अकाउंट्स के अंदर बना दो, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसकी एक लाइन जो है वो ऊपर ले आओ। पहले आप ऊपर सारा अपने लाहौर की एक्टिविटी दिखाओ, सारी कंटिन्यू पेशेंट दिखाओ, कंटिन्यू पेशेंट से आप नेट प्रॉफिट निकालो, उसके बाद आप बताओ कि डिसकंटिन्यू पेशेंट जो हमारे चल रहा है उसके डिसकंटिन्यू पेशेंट से आपको जो है वो इतनी इनकम हुई है, और उसका ब्रेकअप कहाँ होगा, उसका सारा ब्रेकअप जो है सेल परचेज कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंसिस ये वो फलाना दिखाना, सारा आप नोट्स अकाउंट से दिखाना आपने, तो एक लाइन जो है फ्रंट पे आएगा डिसकंटिन्यू पेशेंट। तो ये थोड़ा सा इसमें फर्क है कि जो डिसकंटिन्यू पेशेंट है उसके आपने पूरे रिजल्ट जो है वो अलग से दिखाने हैं। इसी तरह जो आप अर्निंग पर शेयर निकालेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी आप दो निकालनी पड़ेगी, एक आपको निकालनी पड़ेगी अर्निंग पर शेयर फॉर कंटिन्यू पेशेंट, एक आपको निकालनी पड़ेगी अर्निंग पर शेयर फॉर डिसकंटिन्यू पेशेंट। इसी तरह डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी जो आपको जो है वो अलग से करके दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड ने कहा देखो यार यहाँ पे पहले हमने बात की कि जब आपके एसेट्स होंगे या ग्रुप ऑफ एसेट्स होंगे इसमें कंपेरेटिव डाटा आपने नहीं छेड़ना, लेकिन यहाँ पे जो है आपने पी एल में कंपेरेटिव डाटा छेड़ना है आपने। आपने क्या कहना है, वो आप कहते हैं जो कंपेरेटिव डाटा है पिछले साल का जो डाटा पी एल आपने बनाया उस पी एल को भी आप ब्रेक करें कंटिन्यू डिसकंटिन्यू में, पता लगे कि यार पिछले साल में कितना अभी अब कितना डिसकंटिन्यू में प्रॉफिट था, अगले साल कितना है, तो अपना कंपेरेटिव फिगर जो आपको चेंज करनी पड़ेगी, जहाँ पी एल की कंपेरेटिव फिगर आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो ये सारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, हम लोगों को हमें जो है वो तकरीबन सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर दी है, बट यही स्टैंडर्ड है। अब इस स्टैंडर्ड को हम जरा थोड़ा सा वहाँ से पढ़ लेते हैं कि ये आपकी जो है वो बुक्स में जो है वो कैसे ये चल रहा है। ठीक है, अब सारी बातों को मैंने बता दी है, अब यही बातें जो है मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ और साथ साथ देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। कहता जनरल रूल फॉर डी रिकॉग्निशन, when an asset is derecognized its carrying amount is removed from the statement of financial positions IAS 16 state that the carrying amount of the item of property plant and equipment should be derecognized in the following circumstances on disposal of the assets एंड वेन द फ्यूचर इकोनॉमिक। तो दो कंडीशन है, मतलब आई सेक्शन क्या कहता है, वो कहता है यार देखो जब आप एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देते हो तो आप एसेट्स को वहां से निकाल दो, या उसके जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलने हैं वो नहीं मिलने हैं उसको, अब आपका एसेट एसेट की डेफिनेशन पूरी नहीं कर रहा तो वो एसेट में क्या कर रहा है उसको निकाल कर पी एन एल को चार्ज कर। दोनों सूरतों में आप क्या करेंगे, डिफरेंस आएगा, अगर डिस्पोज ऑफ करेंगे कैश आएगा, कैश आएगा कितनी कैरिंग वैल्यू से जुड़ा डिफरेंस आएगा पी एन एल में चला जाएगा। इसी तरह आप कहते हैं फ्यूचर में कोई बेनिफिट ही नहीं होना, बेनिफिट नहीं होना तो वो आप उसको क्या करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज मुझे और याद है, मैं उसको थोड़ा डिस्कस करता हूँ आपसे। इसमें एक चीज और है ऐसे मेरे जहन में आ गया, एक अबंडेंट एसिड अबंडेंट, यहाँ एक चीज और है अबंडेंट एसिड, इसका भी एक स्टैंडर्ड डिस्कस करता है अबंडेंट। अबंडेंट एसिड भी होते हैं, अबंडेंट एसिड तो कहते हैं, वो कहता है यार ये ऐसे ऐसे एसिड होते हैं जिसको आपने खुद यूज किया है और उसकी वैल्यू जीरो हो गई है, उसकी उसको आप स्क्रैप करके बेचोगे आप, वो अब वो उस काबिल नहीं है कि उसको आप मार्केट में जाकर सेल कर सको, उसका तमाम बेनिफिट आपने खुद ही यूज कर लिए। तो ये अबंडेंट एसेट जो होते हैं वो हेल्पफुल सेल नहीं रख सकते आप, क्योंकि वो सेल होगा नहीं, उसके जितने बेनिफिट हमने लेने थे आप ले चुके हैं या फर्दर यूज करके ले लेंगे, तो ये हेल्पफुल सेल कभी भी नहीं बनेगा, तो ये इसके स्कोप से समझ लिया बाहर है। हाँ ये जो एसेट है ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बन सकता है, जब अबंडेंट डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बनेगा तो आप क्या करेंगे, आप उस तरह ही जो पी एंड एल है उसमें उसको जाके दिखाएंगे ये अबंडेंट हो गया। ठीक है, देखिए वो हेल्पफुल सेल जाके बैलेंस शीट पे जाके हमने उसको करंट एसेट में जाके हेल्पफुल सेल में नहीं दिखा, इसका पी एंड एल का ट्रीटमेंट बनेगा, जो पी एंड एल का ट्रीटमेंट है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का वो आप अबंडेंट में कर सकते हैं।
ठीक है जी, वैसे मेरे जहन में आ गए तो मैं चले थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर देंगे आपको। अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं हम, इफ नॉन करंट एसेट्स इज डिस्पोज ऑफ द गेन और लॉस ऑफ द डिस्पोजल शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने क्या करना है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पे जो है उसका जो है गेन एंड लॉस जो है वो शो कर देना है। तो पीएनएल पे क्या करेंगे आप, उसका नेट रिजल्ट जो है वो पीएनएल में शो कर देंगे। द पीरियड इन विच डिस्पोजल डिस्पोजल अकर द गेन एंड लॉस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन सेल रेवेन्यू। वो कहते हैं सेल नहीं है आपकी, सेल तो आपकी डेफिनेटली जो है वो और जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है जो आपका आउटपुट उससे सेल होती है, जो आपकी बिजनेस का आउटपुट होती है, ठीक है ना। आउटपुट जो है वो क्या होती है, हम IFRS 5 में डिस्कस करेंगे कि वो आउटपुट क्या होती है आपकी बिजनेस की, वो आपकी रेवेन्यू बनती है। वो रेवेन्यू क्या बनेगा, सेल क्या बनेगी, वो हम डिस्कस करेंगे IFRS 15 में, हमारे नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 16 हमारा चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या सेल क्या होगी। ये जो है ये आपकी सेल में नहीं जाएगा, ठीक है, ये सीधा PNL में अदर इनकम में चला जाएगा। द गेन एंड लॉस ऑफ डिस्पोजल वो कहता है कैसे निकालेंगे आप कहते हैं द सेल प्रोसीड, कितना आपको कैश मिला उसमें से आप लेस करें डिस्पोजल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दें, तो आपकी क्या आ गई, आपका आपको टोटल कैश आपको कितने आपके इन हैंड आया, उसमें से आप क्या करें, आप देखें कैरिंग वैल्यू कितनी है, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की हुई है, तो नेट वैल्यू जो बाहर चले जाएगी और आपका डिफरेंस होगा वो आपका PNL में चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये आपकी बुक्स वैल्यू थी, ये पीपी की आपकी बुक्स वैल्यू आ रही थी, कैरिंग अमाउंट वगैरह आ रही थी, ये आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कैरिंग अमाउंट नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो डिफरेंस आएगा वो आपका पीएनएल को चार्ज हो जाएगा। तो इनिशियली जो है आप ये एंट्रियां पास करेंगे। एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर सेल, समटाइम्स द कंपनी माइट होल्ड एन एसेट एट द एंड ऑफ द एट द एंड दैट इट हैज इंटेंशन टू सेलिंग। कहते हैं कि एसेट है जिसके इंटेंशन क्या है हमारे कि हम इसको सेल करेंगे। मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन, तो वो कहता है आप ये स्टैंड आपको बताएगा इसको आपने इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, मेजरमेंट कैसे करनी है वो हमने ऊपर देख ली, और उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो हमें अभी मैंने हमें पता लग गया कैसे करनी है कि उसको हमने करंट एसेट के बाद शो करना है, बाद में बाकी देखते हैं कैसे करनी है। समरी क्या है, नॉन करंट एसेट्स द ग्रुप ऑफ नॉन करंट एसेट, ठीक है ना, आप कहते हैं एक इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, दैट मीट सर्टन स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया आर क्लासिफाइड एज बीइंग हेल्ड। वो बड़ा कितना बड़ा सर्टन मतलब क्राइटेरिया हो सकता है, वो क्या जी, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल आर नंबर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। वो कहता है जो चीज कम होगी उस पर आप मेजर करें, आपकी बुक वैल्यू आ रही है और आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल निकाली, विच एवर इज लेस उस पर आपने इसको लेके आना है। सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट टेस्ट एट द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, वो कहता है ये किस्म का ये पेमेंट टेस्ट ही हो गया ना, आपने आपने फेयर वैल्यू पे ले किया है और आपने देखा मार्केट वैल्यू क्या है और बुक वैल्यू क्या है, तो ये आपके पेमेंट टेस्ट हो गया। प्रेजेंटेड ऑन द सेपरेट कैटेगरी ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल में आप सेपरेट कैटेगरी सेपरेट दिखाएंगे इसको अपने करंट एसेट्स में, एंड आर नो लॉन्गर डेप्रिशिएट, उस पर डेप्रिशिएट आप चार्ज नहीं करेंगे। तो ये इसके रूल्स थे। एनी लॉस रिकॉग्नाइज ऑन द नॉन करंट एसेट्स कैरिड एट कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इंपेयरमेंट टेस्ट एट द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर हेल्ड रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो जिस टाइम आप इसके फर्स्ट टाइम जो इनिशियली जो आप इसको इंपेयरमेंट करेंगे, जो आप डिफरेंस निकालेंगे विच एवर इज लेस कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल विच एवर इज लेस, तो जो डिफरेंस आएगा वो आप क्या करेंगे पीएनएल को चार्ज कर देंगे। एनी लॉस रिकॉग्नाइज ऑन द नॉन करंट एसेट कैरिड एट रीवैल्यूड अमाउंट एज, अब अगर रीवैल्यूएशन अपने रीवैल्यूएशन मेथड लगाया हुआ पीपीई में तो फिर क्या होगा, वो कहता है इंपेयरमेंट टेस्ट एट द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन इज हेल्ड फॉर सेल इज रिकॉग्नाइज इन OCI, क्योंकि वो OCI आपका चल रहा है तो वो कहता है पहले OCI को तो खत्म करो। टू द एक्सटेंट दैट इट कवर द प्रीवियस रिकॉग्नाइज सरप्लस विद द बैलेंस बीइंग रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो वो कहता है जब OCI खत्म हो जाएगा तो अब जो लॉस बच गया वो पेनल को चार्ज कर दो। द अबव रूल्स विल बी एक्सप्लेन मोर डिटेल इन द फॉलोइंग सेशन। ऑब्जेक्टिव में स्कोप क्या है जिसका, कहता है IFRS 5 सेट आउट रिक्वायरमेंट दैट स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, ठीक है जी। तो डिसकंटिन्यूएशन की कभी आपने कैसे प्रेजेंट करना है, उसको कैसे डिस्क्लोज करना है। IFRS 5 एसेट्स दैट मीट द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन हेल्ड फॉर सेल आर मेजर्ड एट द लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट लेस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल नो डेप्रिसिएशन
प्रेजेंट सेपरेटली इन द फाइनेंशियल, वो तीन चीजें जो भी पीछे डिस्कस करके आए। एडिशनल क्या है, कहता द रिजल्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएशंस, डिसकंटिन्यूएशन के जो रिजल्ट है मस्ट प्रेजेंट सेपरेटली इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। तो उसके रिजल्ट जो है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो सेपरेट शो करने हैं, अपने कंटिन्यू ऑपरेशन से सेपरेट शो करने हैं, उसको आपने एक लाइन में शो करना है और उसका जो डिटेल होगी वो आपने नोट्स टू द अकाउंट शो करनी है। आईएफएस आइडेंटिफाई थ्री क्लासेस ऑफ आइटम दैट माइट बी क्लासिफाइड हेल्ड फॉर सेल, दीज क्लासेस आर नॉन करंट एसेट्स, डिस्पोजल ग्रुप एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। ठीक है जी, एक एसेट है तो नॉन करंट एसेट्स, आप बंडल ऑफ एसेट्स हैं, ठीक है, जिस हमने बात की थी, ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं तो ग्रुप ऑफ एसेट्स हो जाएगा, और बाद में आपने डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन को आपने एक ऑपरेशन पूरा खत्म कर दिया तो उसको भी हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। डिस्पोजल ग्रुप की बात करता है, और डिस्पोजल ग्रुप क्या है, डिस्पोजल ग्रुप अ ग्रुप ऑफ एसेट्स टू बी डिस्पोज ऑफ इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन एंड एनी लाइबिलिटीज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दोज एसेट्स दैट विल बी ट्रांजेक्शन इन द ट्रांसफर इन द ट्रांजेक्शन। तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो भी साथ आपको ट्रीटमेंट करना है। द डिस्पोजल ग्रुप मे बी a group of cash generating unit, a single cash generating unit or a part of cash। वो कहते हैं cash generating unit, जैसे आपने कहा यार हमारे पास चार assets हैं, चार assets अलग से sell करें तो उसकी value नहीं इतनी बनती, लेकिन अगर चारों को मिलाएं तो फिर ये cash generate करते हैं। मैं आपको example देता हूँ, मेरे पास मैंने क्या किया, मैंने एक एरोप्लेन ले लिया, मैंने कहा एरोप्लेन लिया मैं इसको लाहौर से दुबई चलाता हूँ। अब वो एरोप्लेन लेने से मुझे, मैं उसको चला ही नहीं सकता, पैसेंजर कैरी नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए, मुझे रूट चाहिए, तो जब तक मैं रूट ही लूंगा तो मुझे फायदा नहीं होगा ना। अब मैं अगर मैंने रूट लेना है तो फिर वो एक कैच जनरेटिंग यूनिट बनेगा। इसी तरह का मैं किसी को सेल करता हूँ, कहता हूँ यार लाइसेंस ले लो जहाज ही दूंगा, वो कहेगा यार लाइसेंस लेके मैं क्या करूंगा भाई, जहाज भी साथ दो तभी तो मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगा। तो इस तरह क्या होगा, आप अगर सिर्फ एक चीज़ की वैल्यू लेंगे तो वो काम नहीं करेंगे, लेकिन आप दोनों को इकट्ठा करके बेचेंगे, ग्रुप बना के बेचेंगे तो आप क्या करेंगे उसकी वैल्यू अच्छी मिलेगी आपको। तो ये वो बात यहाँ पे कर रहा है। Some disposal groups might fall into the definition of discontinuation। वो कुछ कहते हैं, वो कहते हैं अगर definition जो है वो discontinuation में fall कर जाते हैं, जब discontinuation आएगा तो आपको P&L का presentation दिखाना है। Classification and presentation क्या है, the classification and presentation requirement of IFRS apply recognize non-current assets and all the disposal group। Measurement कैसे करेंगे इसकी, जरा आप कहता the measurement of IFRS apply to all recognized non-current assets and disposal group except डेफर, उसमें कहता आई एफ एस आई एस डेफर भी नहीं लगेगा, आई एस 19 में नहीं लगेगा, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर जो है स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। इसी तरह जो है वो आई एस 40 जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, और इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है इस पर जो है ये जो है वो स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो उनकी उनकी ट्रीटमेंट जो है वो उनके रेलिवेंट स्टैंडर्ड में करेंगे हम यहाँ पे, उसको हम जो है वो नॉन क्रेडिट हेल्प फॉर सेल नहीं करेंगे। कमेंट ऑन द स्कोप ऑफ द आईएफएस, कमेंट्स किया जाए तो स्कोप आईएफएस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, नॉन करंट एसेट्स दैट आर स्कोप्स आउट ऑफ आईएफएस मेजर्स पर्पस फॉल इन विद द क्लासिफिकेशन पोजीशन रूल्स, सच नॉन करंट एसेट्स माइट बी पार्ट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप, इन दिस केस द मेजरमेंट रूल्स ऑफ आईएफएस अप्लाई टू द डिस्पोजल ग्रुप एज ए होल बट नॉट द स्कोप आउट एसेट्स विद इन द ग्रुप व्हिच आर मेजर्ड individually according to the rules set out in the on this matter। वो कहता है अगर मैंने ग्रुप लिया हुआ है तो आप ग्रुप पे लगाएंगे, अब कहता है मेरे पास ग्रुप है, अब मेरे पास ग्रुप है, ग्रुप के अंदर मेरे पास 50 एसेट्स हैं, और 50 के 50 के करंट एसेट्स हैं, तो फिर ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड का नाम क्या है, स्टैंडर्ड का नाम है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। वो कहता है अगर 50 अपने ग्रुप का एसेट बनाया हुआ सारे सारे करंट है, उसके अंदर एक कम से कम तो नॉन करंट एसेट तो होना चाहिए ना, तभी तो ये स्टैंडर्ड लगेगा, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड ही नहीं लगेगा। अबंडेंट एंड ऑफ नॉन, अब देखिए अबंडेंट की बात हो रहा है, वो कहता है नॉन करंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप टू बी अबंडेंट इंक्लूड अ नॉन करंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप टू बी यूज्ड टू द एंड ऑफ देयर इकोनॉमिक लाइफ और क्लोज रादर देन सोल्ड। तो उसको आपने उसको वैसे ही क्लोज करना है, स्क्रैप करना है, उसको सेल तो करना ही नहीं है, तो ये जो है उसको भी आप नॉन करंट एसेट्स नहीं कर सकते, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल नहीं कर सकते। ए नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप दैट इज टू बी अबंडेंट मस्ट नॉट बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इन अकॉर्डेंस, तो वो आईएफएस 5 में हेल्ड फॉर सेल ही जाएगा, लेकिन उसको आप डिसकंटिन्यूएशन जो है वो कर सकते हैं। और फिर डिसकंटिन्यूएशन जब हम करेंगे तो क्या करेंगे हम, इसको फिर हम इसको उसी तरह जो है डिसकंटिन्यूएशन का जो ट्रीटमेंट होता है वो सारा हम इससे लगाएंगे। क्लासिफिकेशन नॉन करंट एसेट्स क्या है, द एसेट क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट इन अकॉर्डिंग विद आईएस 1 कैन नॉट बी रीक्लासिफाइड एज करंट अंटिल दे मीट द क्राइटेरिया क्लासिफाइड इन द हेल्प। वो कहता है क्राइटेरिया दिया हुआ है तो क्राइटेरिया जब तक वो मीट नहीं करेगा आप उसको जो है वो करंट एसेट नहीं बना सकते अपने नॉन करंट एसेट्स को। तो वो क्राइटेरिया क्या है वो डिस्कस करेंगे।
This also applies to the assets that would normally be regarded as non-current that are acquired exclusively with the view of resale. Such assets cannot be classified as current unless they meet the criteria supposed in the IFRS 15. वो क्राइटेरिया क्या है वो भी आगे आगे डिस्कस करते हैं। वो क्राइटेरिया आंसर यहाँ पे दिया हुआ, उसने कहा ये वो क्राइटेरिया है जो आपको आपको जब आप अपने पीपी से निकाल के एसेट्स को आप नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल लाएंगे तो आपको ये क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। वो क्या है, यू कहते हैं नॉन करंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप मस्ट बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल व्हेन द कैरिंग अमाउंट इज रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू सेल ट्रांजेक्शन रादर देन थ्रू कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस आपने नहीं करना, आपने क्या करना है उसको द फॉलोइंग कंडीशन, तो एक कंडीशन है जो है वो सारे के सारे मेट करनी है। अगर कंडीशन मेट नहीं होगी तो आप इसको अपने एसेट्स को जो है वो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल नहीं ला सकते। वो क्या कंडीशन है जनाब, वो कहता है पहली कंडीशन ये है इट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल, मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मैंने ऑफिस बनाया हुआ था, मैंने कहा यार इसको सेल करते हैं, सेल करते हैं, मैंने इंटेंशन ले ली सेल करते हैं, लेकिन मैंने उसको खाली नहीं किया। मेरा कहा खाली करेंगे जब कोई क्लाइंट आएगा इसको बाय कर लेगा तो मैं उसको को गया 3 महीने का टाइम दे, 3 महीने में मैं खाली कर दूंगा। तो वो ये जो जो कंडीशन है इसमें ये इमीडिएट सेल में शामिल ही नहीं होता। तो ये बिल्डिंग जो है स्नाइडर कहता है इसको आप जो है वो हेल्ड फॉर सेल में नहीं ला सकते। आप हेल्ड से कब लेके आएंगे, तब जैसे जैसे बिल्कुल खाली हो, ताला लगा हुआ हो, कस्टमर आए मुझसे डील करे, मैं उसको चाबी दूं और वो अंदर घुस जाए, तो वो होता है इमीडिएट सेल। ये इमीडिएट सेल ही होता है कि ठीक है ये आएगा मैं उससे 3 महीने का टाइम ले लूंगा। तो ये कंडीशन अगर आप मैट नहीं होगी तो ये हेल्प फॉर सेल में आप कन्वर्ट नहीं करेंगे बिल्डिंग को, बिल्डिंग को उसी वक्त कन्वर्ट करेंगे जब आप उसको जो है वो इमीडिएट चाबी पे करा देंगे। उसके कहता था सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, सेल वो हाईली प्रोबेबल होनी चाहिए। कहता था अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड टू प्लान टू सेल इट द एक्टिव प्रोग्राम। आपने आपने पूरी मार्केटिंग शुरू कर दी है, आपने रिश्तेदार देना शुरू कर दिए हैं, आपका पूरा माइंड बन गया था, आपने उस चीज़ अपने बिल्डिंग को खाली कर दिया है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए तभी आप जो है कहेंगे कि आपकी सेल जो है हाईली प्रॉफिटेबल है। द एसेट डिस्पोज ऑफ मस्ट बी एक्टिवली मार्केट, द सेल मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीट विद इन 1 ईयर। सेल जो है वो करता ये ना हो कि सेल आपकी जो है 5 साल बाद कम्प्लीट हो। आपने कहा जी मार्केट प्राइस इसकी जो है बिल्डिंग है वो 1 मिलियन है, मैं तो 2 मिलियन में सेल करूंगा। तो वो कहता है यार ये क्या बात की, एक मिलियन की चीज़ आप 2 मिलियन कैसे सेल करोगे, इसका मतलब आपका मूड ही नहीं है सेल करने का। तो इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो स्ट्रेटजी कहता है कि आप फिर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। आप जो है विंडो ड्रेसिंग करना चाहते हैं, आप अपनी सिर्फ जो करंट रेशियो ठीक करना चाहते हैं और आप जो है अपने एसेट्स को जो है वो ऊपर से उठा के नीचे लाना चाहते हैं तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, अदरवाइज जो है वो स्टैंडर्ड आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप जो है अपने नॉन करंट एसेट जो है वो करंट एसेट पर ले आए। If the criteria are met for non-current assets or disposal group after reporting date but before the authorization date, वो कहता है आप जो अगर आपने आपकी आपने कहा जी मेरा 31 दिसंबर को क्लोज हो गया और आपने 1 जनवरी को प्लान किया यार मैं तो एसेट सेल करना है, तो क्या मैं 31 दिसंबर की बैलेंस शीट को चेंज कर दूँ। वो स्टेट कहता नहीं भाई ये जो है ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसको आप जो है वो IAS 810 में जाके आप इसको एडजस्टिंग इवेंट नहीं कह सकते, उसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे और पिछले साल की बैलेंस शीट को आप चेंज नहीं करेंगे। The assets must not be classified as held for sale on the reporting date. ठीक है जी, तो non-adjusting event है आपके, इसको आप adjust नहीं करेंगे। However, the entity is required to make the, तो अगर चाहेगा तो उसका disclosure दे सकता है कि जनाब हमने जो है जनवरी में जाके इसको wind up कर देना है। Classified as held for sale, entity R had the following assets on March year 4, the property that offered for sale in 5 million during the year 3, the market of this type of property are deteriorated on 31st March year 4, the buyer had not been found. Management does not wish to reduce the price. It hopes that market will, वो कहते हैं मार्केट जब डाउन हो गई तो मार्केट प्राइस कम करो, कहते हैं मैं मार्केट प्राइस कम नहीं करनी, लेकिन मैंने इसको हेल्ड फॉर सेल रखना है। स्नाइडर क्या कहता है, शॉर्टली आफ्टर द ईयर फॉर मार्च 31st 4, द एंटिटी रिसीव्स एंड ऑफर ऑफ 4 मिलियन एंड द प्रॉपर्टी वॉज इवेंचुअली सोल्ड आउट फॉर 3.5 मिलियन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स। और वो कहता है उसे क्या किया 3.5 में उसको बेच दिया, तो क्या ये आपका हेल्ड फॉर सेल होगा। कहता है द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, क्यों, क्योंकि जब आपकी आपका क्लोजिंग हो रहा था तो आप उस वक्त जब प्राइस कम हुई तो आपने की नहीं है, बाद में बेशक आपने जाके उसको 4 मिलियन की जगह 3.5 में बेच दिया, तो वो बात के बाद हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल जो है ये जो रिपोर्टिंग पीरियड है इस पीरियड में तो हम आपको हेल्ड फॉर सेल नहीं करने देंगे। आगे कहता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट हेल्ड फॉर सेल ऑफ आर हैड द एसेट्स ऑन 31st March 2004, प्लांट कैरिंग वैल्यू 2.5 मिलियन। ऑन 31st March द एंटिटी हैज सीज टू यूज द प्लांट बट वाज स्टिल मेंटेन इट इन वर्किंग कंडीशंस सो दैट इट कुड स्टिल बी यूज। वो कहता है खुद ही यूज करना, तो भाई खुद ही यूज करना तो हेल्ड फॉर सेल थोड़ा हो जाएगा ये। दैट इट सोल्ड द प्लांट ऑन
उसने उससे मार्च मई में छोड़, अब मार्च उसका क्लोज था, उसे मई में सेल कर दिया, तो मार्च में क्या करेगा वो, मार्च में उसको हेल्ड फॉर सेल दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये क्वेश्चन है। तो वो कहता है मार्च में वो हेल्ड फॉर सेल नहीं दिखाएगा, क्योंकि मार्च में उसे थोड़ा कम है इसको सेल कर दूंगा, वो तो मई में जाकर उसका प्रोग्राम बनाए। तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है एज पर आई एस 10, तो ये आपको एडजस्ट नहीं करना, आपको 31 मार्च 2004 जो है वहां पे इसको आपको आपको नॉर्मल एसेट ही दिखाना है। एट द ईयर एंड मैनेजमेंट हैज नॉट मेड द फर्म कमिटमेंट, तो कमिटमेंट ही नहीं थी उसकी, वो तो बाई चांस आज जाकर उसने अगले साल कह दिया मैं इसको सेल कर दूंगा, तो उसके बेस पर क्या करेंगे आप इसको, आप इसको जो है नॉन कट एसेट हेल्ड फॉर सेल नहीं दिखाएंगे। सेल एक्सपेक्टेड ओवर वन ईयर, अब कहते हैं समटाइम्स सर्कमस्टेंसेस माइट एक्सटेंड द पीरियड टू कंप्लीट द सेल बियॉन्ड वन ईयर, दिस डज नॉट प्रिक्लूड द एसेट्स फ्रॉम बीइंग क्लासिफाइड। वो कहता है बाज़ वक़्त होता है कि हमने कहा सेंडर ने कहा ये 12 महीने के अंदर उसको बेचे हम, लेकिन बाज़ वक़्त होता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे कोविड आ गया, कोविड की वजह से हालात वैसे खराब हो गए, बाहर ही नहीं मिल रहा था, तो सेंडर कहता है यार अगर आप ऐसे ऐसी कंडीशन हो गई हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, तो आप फिर इसको आप नो प्रॉब्लम, अगर पीरियड एक साल से बढ़ भी गया तो डजंट मैटर, आप इसको रीक्लासीफाई नहीं करें, आप इसको हेल्ड फॉर सेल में ही रहने दें। द डिले इज कॉज बाय इवेंट और सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द एंटिटी कंट्रोल, तो मेरे कंट्रोल में नहीं था भाई, कोविड आ गया, तो कहता है ठीक है नो प्रॉब्लम, एंड देयर इज सफिशिएंट एविडेंस दैट द एंटिटी रिमेंस कमिटेड टू इस प्लान, तो अब जब कमिटमेंट आपकी स्ट्रांग थी, एक्सटेंडर कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई हैं, तो वो कहता है डजंट मैटर, आई हैव सेट आउट डिटेल्ड गाइडेंस व्हेन डीम्ड टू बी द केस, तो वो कहता है कोई मसला नहीं, आप इसको हेल्प फॉर सेल भी रहने दें। कॉस्ट ऑफ सेल दैट आर टू बी पेड आफ्टर वन ईयर शुड बी डिस्काउंटेड, लेकिन कहते हैं डिस्काउंट कर लो उसको, क्योंकि अगर हमने जो उसको सेल करना है वो 12 महीने से ज़्यादा हो जाता है, वो आप ये जो डिस्काउंटिंग वाला रूल है ना, ये हर स्टैंडर्ड में लगता है, किसी भी स्टैंडर्ड में चला जाए वहाँ पे अगर पेमेंट जो है वो आफ्टर 12 मंथ हो रही है, तो उसको आपको डिस्काउंटिंग वैल्यू पे ही उसको दिखाना पड़ता है, उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लाकर दिखाते हैं, अब उसको उस वैल्यू पर नहीं दिखाते। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि उसको आप जो आपका नॉन कंसल्टेड हेल्थ फॉर सेल है उसको आप प्रेजेंट वैल्यू पे। मेजरमेंट कैसे होगी जनाब इसकी, कहता मई बट नॉट एसेट एंड डिस्पोजल ग्रुप एसेट हेल्प फॉर सेल एंड डिस्पोजल ग्रुप शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ द कैरिंग वैल्यू एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, वही बात तो हमने पहले की थी। इफ द वैल्यू फॉर हेल्प फॉर सेल ऑफ एसेट इज एडजस्टेड फॉर कैरिंग अमाउंट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, एनी पेमेंट शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट, ठीक है, जो पहले बात कर चुके हैं, कोई डिफरेंस आएगा P&L को चार्ज करेगा, और द पीरियड unless the assets to be utilized is carried at previous recovery surplus, ko kehta hai revenue surplus thoda bada to pehle usko zero kar lo, aur usse ko zero kar lo, uske baad jo paisa bachega wo aap P&L ko charge kar do। In this case the loss is taken to OCI, theek hai sari baat usme humne already kar di hai। Any amount not covered under the previous recognized revenue surplus is declared under profit and loss। In non-current assets must not be depreciated, theek hai, jisko depreciate apne nahi karna kyunki wo to aise current asset ban gaya hua। Impact of classification of held for sale, the assets is reclassified as held for sale when its carrying amount is 20 million, to kehta hai carrying value jo thi wo 20 million thi uski jab hum usko humne classify kiya, the fair value less cost of sale uski 17 million hai, theek ho gaya ji, to difference kitna aaya 3 million ka, to wo 3 million kya karenge aap, wo 3 million aap report kar denge whichever is less pe aap jayenge, to aap kya karenge usko P&L mein report kar denge। That the carrying amount is less than the fair value of cost of sale, there is no impairment। अगर fair value कम है तो कोई impairment नहीं है। वो कहता है ये carrying value आपकी कितनी है, 20 है, fair value कितनी है, 24 है, तो इसमें आपको कोई impairment नहीं आएगा, P&L को कुछ नहीं जाएगा, आप इसी value पे सारी transaction जो है वो करें। A gain on disposal when the included profit and loss account, अब कहता है आप gain disposal आपने दोस्तों को क्या पे gain हो गया आपका, आपने कहा था यार ये जो है ये इसकी fair value जो है वो 24 million है, जब सेल होगा तो 4 million का प्रॉफिट हो जाएगा, वो 4 million का प्रॉफिट कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। वो कहता है मशीन है आपकी, उसकी वैल्यू कितनी, 80,000 है, ठीक है जी, उसकी यूजफुल 8 साल उसकी है, उसकी यूजफुल लाइफ है। अब 31 December 2004 को क्या होता है, मशीन इज क्लासिफाइड एज फॉर सेल, उस वक्त क्या हुआ, उसकी प्राइस कितनी है, 50,000 है, और उसकी जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो जो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल है वो हमने कहा 1,000 है, तो इसका मतलब और कितनी केक बिकी वो, अब हमने क्या किया, हमने कहा 50,000 उसकी वैल्यू है, ठीक है जी, कैरिंग अमाउंट है, और वो सेल कितने की हुई है हमारी, 48,000 की, ठीक है जी, तो 80,000 उसकी वैल्यू थी, डेपिशन निकाल के उसकी वैल्यू होगी 40,000, 40,000 आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई, 49 आई, तो कैरिंग अमाउंट आपकी कितनी आई, कैरिंग वैल्यू, और ये आपके फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, तो डिफरेंस आपका जो आएगा 9,000 का, वो आपका कहाँ जाएगा,
सॉरी 8,000 का, हाँ तो डिफरेंस आपका पीएनएल में जाएगा। वो कहता था मशीन रिमेन्स कैरिंग अमाउंट कितनी है, इसकी 40,000 है, तो मशीन को आप डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल को डेबिट कर देंगे, और डेप्रिसिएशन आपकी ये नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल आ जाएगा, आपके पीपी खत्म हो जाएगा। सेल प्रोसीड हुई आपकी, 48,000 की सेल हुई, 40,000 कैरिंग अमाउंट थी आपका, 8,000 का जो इसमें प्रॉफिट आया। सेल कितनी हुई 48,000 की, आपका एसेट कितने का 4,000 का, और जो डिफरेंस आपका, वो आपका डिफरेंस जो है वो पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू रिक्लासिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट डिस्पोजल, वही बात कर रहा है। वो कहता है जनाब कॉस्ट कितनी है, 40,000 है, आपकी डेप्रिसिएशन 40,000 है, बुक वैल्यू कितनी आ गई, कैरिंग अमाउंट आ गई, अब उसकी जो कहता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई, उसकी 39,000 आ गई है, 41,000 में सेल हुआ है, 2,000 उसकी कॉस्ट ऑफ सेल थी, 39,000 में सेल हो गया, तो एंट्रीज क्या होगी आपकी, आप कह रहे हैं आप उसको, आप जो नॉन करेंट एसेट हेड फोर से लेके जाएंगे वो विच इज लेस पे लेके जाएंगे, दोनों से लेस क्या है, 39,000 लेस है, तो 39,000 रुपये आप उसको बुक करेंगे एसेट्स को। ठीक है जी, आपके एसेट कितने से गया, 10,000 का गया, डेप्रिसिएशन निकाली, बाकी जो डिफरेंस बचा बैलेंसिंग फिगर जो आपकी है वो आप कहाँ ले जाएंगे, वो आप पी एन एल में ले जाएंगे, तो ये आप इनिशियली एंट्री पास कर लेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, बाद में सेल होगा उसका, जब सेल होगा तो कैश आपके पास आएगा, कैश आपका इतना आया, आपने एसेट को इतना रखा होता है, इतना आपको लॉस हो गया, आपका एसेट ज़्यादा था बुक पेन था, नहीं लॉस होगा आपका, कहाँ चार्ज करेंगे, पी एन एल को चार्ज कर देंगे। ठीक है जी, तो सिंपल एलोकेशन थी। एडिशन ऑफ एडिशन क्या हुआ, एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन डिस्पोजल ग्रुप, कहता है दैट आईएफएस 5 रिक्वायर्स दैट इफ द इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर डिस्पोजल ग्रुप द लॉस शुड बी एलोकेटेड रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ द, अब डिस्पोजल ग्रुप में क्या हुआ, डिफरेंट एसेट्स हैं हमारे पास, उस पर हमारी पेमेंट हमने की, तो हमने कहा यार जो पूरे ग्रुप का जो तो सारे एसेट्स सेल माइनस लाइबिलिटी थी तो वो इतनी वैल्यू की थी, लेकिन वो सेल इतने से हो रही है, कम से सेल हो रही है, तो स्टैंडर्ड कहता है आप क्या करो, पहले जितना आपका लॉस हो रहा है आप गुडविल जो उसके अंदर आ रही है पहले गुडविल को जीरो कर दो। अब यहाँ देखा वापस गुडविल आ रही है, हमने कहा यहाँ पे ये सेट ऑफ एसेट्स हैं, ये मेरे पास सेट ऑफ एसेट्स है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, ये डिस्पोजल ग्रुप है मेरा, मेरे पास एक एक ब्रांच थी उसके अंदर ये एसेट्स पड़े हुए थे, अब मैं पूरी ब्रांच को सेल करना चाहता हूँ, तो उसने कहा यार देखो इसकी बैलेंस शीट तो गुडविल पड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इंपेमेंट जब करेंगे तो पहले गुडविल को जीरो कर दो, फिर जो बाकी इंपेमेंट का लॉस बचेगा वो लॉस जो है इनकी कैरिंग वैल्यू के हिसाब से रेशियो बना के इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते। ठीक है, देखते क्या कहता है, कहता है एंटिटी डिसाइडेड डिस्पोजल ग्रुप द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स इमीडिएटली बिफोर द क्लासिफिकेशन हमसे दी हुई आपको, उसके बाद कहता है जनाब अब देखिए टोटल कैरिंग वैल्यू कितनी है, 1,90,000 का मुझे मेरी बुक पे बुक के लिए उसकी आ रही है, अभी सेल कितने का होगा, वो कहता है एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 1,60,000 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंस है वो आपके इंपेयरमेंट है, 30,000 का मुझे लॉस होने वाला है इसमें। ठीक है जी, ये 30,000 का मुझे लॉस होने वाला है, अब ये लॉस कैसे जाएगा, वो कहता है 20,000 यहाँ से नेट कर दे, जो 10,000 बके है वो 10,000 इसकी रेशियो में जो है वो डिवाइड कर दें आप। ठीक है, तो पहला 20,000 पेमेंट लॉस जो है वो टोटल यहाँ से हम निकाल देंगे, जो बाकी का 10,000 बचेगा वो 10,000 जो है बाकी है वो इनकी जो है कैरिंग वैल्यू पे आप डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये देखिए जो फाइनेंशियल एसेट्स है ये करंट एसेट्स को आपने छोड़ देना है, इस पे जो है नॉट एप्लीकेबल है, इस पे आप पेमेंट करेंगे, इसकी पेमेंट जो है वो फाइनेंशियल एसेट में जाके करेंगे आप, अगर इसकी कोई पेमेंट होनी है तो आप जो है फाइनेंशियल एसेट में जाके इसकी पेमेंट कर सकते हैं रेलेवेंट स्टैंडर्ड में। लेकिन यहाँ जो पेमेंट हो रही है वो जो है वो हम उसके जो है वो जो करंट एसेट्स हैं उसी में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट जो है इसके इसके स्कोप से बाहर था, देखो देखा था स्कोप में आउट ऑफ स्कोप था फाइनेंशियल एसेट्स, अगर हमने पीछे थोड़ा सा स्कोर करेंगे तो हमें उसके पता है कि ये चीजें स्कोप है IAS 12 आइट्रोस्कोप है, फाइनेंशियल आइट्रोस्कोप है, IAS 41 जो आइट्रोस्कोप है, तो वो जो आउट्रोस्कोप जो आपके एसेट्स ऊपर दिए हुए इसने उसके ऊपर जो है हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो उनको उनका जो पेमेंट होगा उनका पेमेंट जो है उनके रेलिवेंट स्टैंडर्ड में जाके देखेंगे, अगर पेमेंट हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होना है, तो जो आउटोस्कोप है उस पर हम जो है उसका लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द नॉन करंट एसेट माइट लीड टू द फ्यूचर इंपेमेंट लॉस विच मस्ट बी रिकॉग्नाइज अगेन विच इज रिकॉग्नाइज बट ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट कवर्ड द प्रीवियस, वो कहता है कि आप देखें हमने अगले साल में क्या किया, बाद में पता लगा जी इसमें मजीद इसकी वैल्यू गिर गई है तो वो आपका लॉस हो गया, आप उसको लॉस को क्या करें, आप पीएन को चार्ज कर दें, फिर वो उसकी वैल्यू हो सकता बढ़ भी जाए, वो कहता है जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतनी कितनी बढ़ानी है, जितना आपने पहले और पेमेंट लॉस चार्ज किया बस उतनी बढ़ा सकते, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब मैंने कहा मेरे कैरिंग वैल्यू 100 थी, मैंने उसको पेमेंट करके 80 कर दिया, अब उसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो 110 हो गई है, तो मैं उसको मैक्सिमम 100 तक ले जा सकता हूँ, उसको 110 पे नहीं ले जा सकता, अगर 110 पे ले जाएंगे तो प्रॉफिट भी चला जाएगा वो, तो कहता प्रॉफिट नहीं दिखाना आपने, प्रोविडेंस का कॉन्सेप्ट है, अब लॉस दिखा दो।
है, तो मैक्सिमम कितना मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ वैल्यू को, मैं 800 तक ले जा सकता हूँ। चेंज इन द प्लान ऑफ सेल, अब प्लान चेंज हो गया, मैंने कहा ऐसे हेड फॉर सेल रखा था, अब मैंने कहा मैं इसको खुद यूज करूंगा, मुझे हेड ऑफ सेल ही रखना। तो सेलर कहता है जब आपका प्लान चेंज हो गया, आप इसको सेल नहीं करना, खुद यूज करना है, तो उसको हेड फॉर सेल से निकाल के, कन्वर्टर से निकाल के दोबारा पीपी में डाल दो। If an asset's disposal group has been classified as held for sale, but the criteria is no longer met, it must be removed from the classification. कहता है इसको निकालो वहाँ से, held for sale तो है ही नहीं है, इसको खुद यूज करना है, इसको उठा के पीपी में ले जाओ। अब पीपी जब लेके जाओगे तो कंपेरेटिव फिगर चेंज करने की बात पहले हमने कर ली, ठीक है, हम इसको चेंज करेंगे, कंपेरेटिव फिगर उससे पड़ी रहेगी। सच एन एसेट्स मेजर्ड एट लोअर ऑफ द अमाउंट एट विच इट विल बी कैरेड इफ इट इज नेवर बीन क्लासिफाइड। तो आप देखेंगे यार इसको अगर मैं उसी तरह से लेके आता जब सुना मैं पहले लेके आ रहा था, तो डेबिशन वगैरह चार्ज करके आज किस वैल्यू क्या होती, उसी वैल्यू से उसको लेके जाऊंगा मैं, और फिर मैं देखूंगा मैंने आज की उसकी वैल्यू क्या रखी हुई है, तो दोनों को कंपेयर करूंगा उसके हिसाब से उसको लेके जाऊंगा। If the carrying amount before is classified as held for sales as assets for any depreciation, amortization, revaluations, तो वो कहता है वो वैल्यू निकालने के, अगर आप मैं इसको ना करता पिछले साल हेड फॉर सेल, तो मैं उस पर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करता और आज कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करता, तो उसकी कैरिंग वैल्यू क्या होती, एंड द रेगुलर अमाउंट एट द सब्सिक्वेंट हेड फॉर सेल। वो कहता है आप बताओगे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। इफ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स ऑफ द कैरिंग अमाउंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस इन 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 सेम टाइम द प्रॉफिट कैप्शन शुड बी प्रेजेंटेड गेन एंड लॉस एसेट फॉर हेल्प फॉर सेल। वो कहते हैं अब क्या करेंगे, अब आपने आपको हमने ग्रुप डिस्पोजल ग्रुप था, या आपका ग्रुप ऑफ एसेट्स था, या आपका इंडिविजुअल एसेट्स था, उसमें तो ट्रीटमेंट हो गया, आपने नॉन करेंट एसेट निकाला उसको उन ऊपर ले गए, ऊपर किस वैल्यू से लेके गए, आपने देखा कि यार अगर ये एसेट ऊपर ही पड़ा होता हमारा नॉन करेंट एसेट था, पीपी पर पड़ा रहता, तो इस पर डेबिट चार्ज करके आज उसकी वैल्यू क्या बनती, उस वैल्यू पर उसको ले जाएंगे, डिफरेंस पेमेंट को चार्ज करेंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे आप वो कहते हैं डिसकंटिन्यू पेशेंट जो था उसमें आपने क्या करना है, उसमें जब आप उसका इफेक्ट पीएनएल में दे रहे थे, तो पीएनएल में एक लाइन लगा के बता रहे थे कि यार डिसकंटिन्यू पेशेंट से इतना प्रॉफिट है, तो वो कहता है आप क्योंकि वो पेशेंट जो है वो कंटिन्यू हो चुका है, तो आप उसको वहां से निकाल के वापस कंटिन्यू में ले जाए ऊपर, और उसका कंपेरेटिव जो है वो कंपेरेटिव चेंज कर दे, बैलेंस शीट का कंपेरेटिव चेंज ही करना, लेकिन पीएनएल का कंपेरेटिव जो चेंज हो जाएगा, अब जो डिसकंटिन्यू पेशेंट है वो पिछले साल का भी निकल के ऊपर कंटिन्यू में चला जाए, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो हम दरअसल बात कर ली, दोबारा पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंटेशन, नॉन करेंट एसेट्स हेड फॉर क्लासिफाइड हेड फॉर सेल्स आर प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम अदर एसेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे इसने बना के दी, ये शायद मैं देख रहा था, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाइड हेड फॉर सेल्स are presented separately from other assets and liabilities in the statement of financial position. These assets and liabilities must not set off. देखो कहता set off नहीं करना इसको आपने। अभी नहीं कहा कि आपको या चलो ये assets और liability हैं एक ही group है, हम sale कर रहे हैं तो हम net करके दिखा देते हैं, liability दिखाते नहीं है। वो कहता नहीं liability अब दिखाओ। Present दोनों single amount. The major classes of assets and liabilities classified as held for sale must be separately disclosed either on the face of the balance sheet or notes to the accounts. The disclosures are not required of disposal group that are newly acquired. वो कहता है कि newly acquired subsidiaries हैं तो फिर आप चीज़ disclosure जब दे रहे हो बेशक मत दो आप। Comparatives are not restated. Comparatives are restated नहीं करना आपने। हाँ PNL का आपने करना है सिर्फ। Discontinued position में PNL का करना है, बाकी नहीं करना। In the statement of financial position, financial position में आपने change नहीं करना। Gain and losses का क्या treatment है जनाब? वो कहता है कि gain and losses of remeasurement of non-current assets classified as held for sale remeasurement करने तो किसको charge करना? आपने अब इसको difference जो PNL को charge करना है। Any gain or loss recognized in buying the or remeasuring the non-current assets classified as held for sale disclosed if not represented separately in the face of the balance sheet the caption include gain or loss वो आसो डिस्कलोज, तो वो अभी आप सारा जो है उसका आप शो नहीं कर रहे तो उसको डिस्क्लोज कर दें। अदर डिस्क्लोज में क्या है जनाब, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज, सारी आप देखें क्या क्या है जी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉन करेंट एसेट्स उसके क्या है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस कि हमने कैसे उसको क्यों वापस रिवर्स किया, और कोई सेगमेंट अकाउंट है तो वो सेगमेंट अकाउंट जो IFRS 8 के हिसाब से आप कर देंगे। चेंज इन द प्लान, प्लान चेंज हुआ तो क्या हुआ, व्हेन द फॉलोइंग आपने क्या दिखाना है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस डिटरमाइन डिसीजंस द इफेक्ट ऑफ डिसीजन, ठीक है जी। तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी उसकी हो सकती है और डिफरेंस कहाँ जाएगा, पीएनएल हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बैलेंस शीट का जो है कंपैरेटिव चेंज ही होगा, लेकिन अगर डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन है उसका जो पीएनएल है उसका कंपैरेटिव चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया जी। डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन की बात करेंगे अब हम, डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन क्या है।
डिसकंटिन्यूएशन क्या है जनाब? द नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल्स एंड डिसकंटिन्यूएशंस सेट आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप रिलेटिव टू द डिसकंटिन्यूएशंस द रीजंस ऑफ रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसकंटिन्यूएशन इज एज फॉलोस क्लोजिंग डाउन सम ऑपरेशंस विद इफेक्ट फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. तो आपने कहा यह मेरे कराची की ब्रांच है उसको बंद करना है, तो वो आपका डिसकंटिन्यूएशन है. इफ देयर इज एप्रोप्रिएट दैट यूजर of the financial statement should be provided with the relevant information about the discontinuation. Now this help them to make the whole level productions of the future performance of the entity. The information can be produced by providing information about the discontinuations, debt continuation. Definition kya hai discontinuation ki janab? Wo kehta definition is kya hai? Discontinuation a component of an entity that either has disposed of or is classified for held for sale. एक कंपोनेंट है, ब्रांच थी मेरी कराची में, वो मेरा एक कंपोनेंट था तो मैं उसको सोल्व कर रहा हूँ. तो वो कहता है रिप्रेजेंट सैपल लाइन और बिजनेस और ज्योग्राफिक एरिया. ज्योग्राफिक एरिया मैं लाहौर में बैठा हूँ, वो उसका ज्योग्राफी जो कराची का है, ठीक है जी. तो वो डिफरेंट ज्योग्राफी के एरिया में होनी चाहिए, वो सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए. इज अ पार्ट ऑफ सिंगल कोऑर्डिनेटरी प्लान, वो एक ही प्लान का पार्ट हो कि मैंने प्लान किया हुआ कि मैं इसको जैसे इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है सोल्व करूंगा. और वो कहता है सब्सिडी रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द रीसेल. मैंने सबसे ली इसलिए है कि मैंने उसको रीसेल करना था, मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ, मेरा काम यही है. तो आप क्या कहते हैं इसको, आप डिसकंटिन्यू जो है वो आप डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बोलेंगे. द कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी कंप्राइजेस ऑपरेशंस एंड कैश फ्लोस दैट कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्ड ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर रेस्ट ऑफ द एंटिटी. इफ द एंटिटी डिस्पोजेस द इंडिविजुअल नॉन करंट एसेट्स और प्लान ऑफ डिस्पोज इंडिविजुअल एसेट्स in the immediate futures that is not classified as discontinued operations unless the asset meet the definition of the component of. वो कहता है कि आप देखें जो discontinued operation के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अगर इसमें से कुछ आप इसमें से जो है वो कुछ चीज़ मिस हो रही है तो फिर आप जो है उसको discontinued operation नहीं कहेंगे. उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपका सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस हो, उसके ज़रूरी है कि वो जियोग्राफिक डिफरेंट जियोग्राफिक एरिया में हो. तो अगर ये चीज़ें होंगी तभी आप कहेंगे discontinued operation, अगर ये discontinued operation नहीं बनेगा आपका. The asset disposed of simply to be accounted for a normal way. तो कहता है फिर आप normal way से उसको करेंगे, जिस तरह आप asset dispose of करते हैं उसको आप discontinuation नहीं बोलेंगे. The operation cannot be classified as discontinued in the statement of financial position if the criteria classifying discontinued are met after the end of the reporting period. वही बात कर रहा है कि ये non-adjusting event है, उस पर जो है non-adjusting events के तौर पर जो है अगर हमने आपका closing December था और ये आपने सारा खेल जो है वो January में कर रहे हैं तो आप December की मैनेज को चेंज नहीं करेंगे. For example, there are suppose that the an entity with the financial year of June 30th shut down the major line of business on July. वो कहता है जून को क्लोजिंग हो गई, जुलाई में आप कर रहे हैं, and puts another major line of business for sale. It cannot be classified as discontinued operations in the financial year of just added on June. तो जून आप शो नहीं करेंगे. The disposal group might be, for example, a major business division of the company. For example, a company that operate in both shipping, ship building and travel tourist. तो वो कहता है आप different business हैं, अगर मैं shipping को खत्म कर देता हूँ तो ये आपका separate line of business कहलाएगा. प्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे इसकी, आप कैसे देंगे, ये आप डिसकंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं, आपके डिसकंटिन्यूएशन में प्रेजेंट कैसे होगी, प्रेजेंटेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. तो आप पीएनएल में कैसे देंगे इसको, पीएनएल में कहता है जनाब द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज डिसकंटिन्यूएशंस द सिंगल अमाउंट ऑन द फेस ऑफ द पीएनएल. आपने पीएनएल फेस पे एक सिंगल अमाउंट दिखानी है, ठीक है जी. कब ये द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस डिसकंटिन्यूएशंस एंड द पोस्ट टैक्स गेन on the measurement of the fair value less cost of sale or the disposal of the assets. So आपने उस पर दिखाना है any analysis of this amount, the revenue expenses, pre-tax, ये सारा कुछ जो है आपने कहा दिखाना है, ये आपने notes and accounts में दिखाना है. Gain and loss, ये सब चीज़ें जो आप दिखाएंगे notes and accounts में. The net cash flows attributable to operating operation, the analysis may be presented in the notes to the accounts. The amount of income from continuing operations and from discontinued operations, ये सारी चीज़ें जो आपको उसके फ्रंट पे दिखानी है. अच्छा जी, the analysis is not required to of a disposal group that newly acquired nucleotide substances. उसके लिए आपने कोई disclosure नहीं दिखाने. These disclosures are not required to disposal group that newly acquired substances that are classified held for sale on the acquisition. प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में वही ट्रीटमेंट है जो हमने पीछे दिखाया है एसेट्स का या ग्रुप ऑफ एसेट्स का. नॉन करंट एसेट्स क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल मस्ट बी
must be disclosed separately from the other asset in the financial position. तो आप करंट एसेट दिखाएंगे. Similarly, assets liabilities are part of disposal group held for sale must be disclosed separately from other asset and liability of the balance sheet. तो आपने इसको सेपरेट दिखाना है, उसको किसी एसेट में मर्ज नहीं करना आपने. This applies to assets and liabilities for discontinuation. वो कहते हैं ना आपके दो ग्रुप में आपके पास टू डिस्पोजल ग्रुप है, ग्रुप वन है ग्रुप टू है, टोटल आपके पास उसके आपको उसमें पीपी दिया हुआ, आपको लाइब्रेरीज आपको दी हुई अलग अलग से. ठीक है जी. अब फाइनेंशियल बैलेंस शीट में आप क्या दिखाएंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे आप, आपके पहले आपके करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स है, पीपी आपका आ गया, पीपी के बाद करंट एसेट आ गया, उसके बाद आप करंट एसेट के बाद में आपने सेपरेट लाइन दिखानी है. ये वो कहता है ये सेपरेट प्रेजेंटेशन है, आप इसको मर्ज नहीं करना. आपने ये नहीं कहना कि ये एसेट जो है करंट एसेट में शामिल कर देंगे, तो इसको आपने अलग जो है वो करंट एसेट के बाद जो है अलग से शो करना है. ठीक है जी. तो ये 900 जो आपका टोटल है, आपके टोटल एसेट जो आपने शो किया नो करेंट हेल्थ फॉर सेल, वो आप सेपरेट जो है फाइनेंशियल पोजिशन में शो करेंगे. ठीक है जी. इसी तरह से जो लाइब्रेरीज होंगी, तो लाइब्रेरीज जो है वो हेल्थ फॉर सेल जो है वो आप सेपरेट शो करेंगे आफ्टर योर करंट लाइब्रेरीज. ठीक है जी. तो ये आपकी टोटल लाइब्रेरीज आप देखें ना 670 है, तो ये आपको 70 जो है बैलेंस शीट लाइब्रेरी में आपको अलग से शो करनी है जिसका ट्रीटमेंट था. In the statement of financial positions, the comparative figures of the previous years are not restated. तो पिछली फिगर्स को आपने छेड़ा नहीं, उसको आपको पीपीवी पर आना है. The amount of discontinued operations in the previous years that does not include discontinued items for the current year. ठीक है जी. तो ये आप याद रखिएगा, पिछले साल की स्टेटेड चीजें जो आपने छेड़नी नहीं छेड़नी. कुछ अदर डिस्क्लोज हैं, ठीक है जी, वो आपने साथ इसके देने हैं. तो सर ये आपकी जो था वो सारा मेरा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है. नेक्स्ट चैप्टर जब जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो फेब्रुअरी महीमेंट पे आएगा इंशाल्लाह. अब हम आई कैप के पास पेपर देख लेते हैं इस पे कि आई कैप में जो है इसके पास पेपर जो है वो कैसे गए हैं. चलो जी आई कैप की बात कर लेते हैं कि आई कैप ने क्या कहा इस पे. तो इस पे एक क्वेश्चन आया जनाब दिसंबर 2018 में, क्वेश्चन नंबर 120 का है, उसकी हम बात करते हैं कि आई कैप हमें क्या कह रहा है. कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू एबीसी ऑफ लेक्सस लिमिटेड. उसका तीन डिवीजन है, एबीसी है, एक एलएल कंपनी है जिसके जो है वो तीन डिवीजन है एबीसी. द डिवीजन ए वाज क्लासिफाइड एज हेल्प फॉर सेल 2016, दैट सीजेस टू बी क्लासिफाइड एज हेल्प फॉर सेल 2017. वेरी गुड. तो उसने कहा कि इसका 2016 में जो है उसको लगा ये डिवीजन ए जो है हम इसको सेल कर देंगे, लेकिन 2017 में उसने कहा नहीं हम इसको सेल नहीं करेंगे. Division B was classified as held for sale in 2016 during 2017. वो कहता है Division B जो था वो classified held for sale कब हुआ, 2016 में हुआ, and sold और sold कब हुआ, 2017 में sale हो गया. चलो ये तो sale हो गया. Division C का क्या हुआ, was classified held for sale in 2016 and sold in 2017. तो ये उसी साल classified हुआ, उस साल sale हो गया. तो पहला एक को क्या हुआ, एक को 2016 में क्लासिफाई किया लेकिन वो वापस कर लिया, हमने रिक्लासिफाई कर दिया 2017 में, हमने कहा सेल नहीं करना. डिवीजन बी था उसको भी 2016 में हमने रखा कि तो सेल करेंगे, वो 2017 में सेल हुआ, 2016 में सेल नहीं हुआ. और जो डिवीजन सी था वो बड़ा सही था, उसको मैं 2016 में डिसीजन लिया, 2017 में उसको हमने बेच दिया. ऑल दी सी डिवीजन्स एंड मेजर लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ एल एल, वो कहता है ये सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है, तो इसलिए इसकी क्या इसने डिसकंटिन्यूएशन में जो था मेन जो कंडीशन थी उसकी वो हमने मेट कर लिया है. तो ये आपके सारे जो है वो डिसकंटिन्यूएशन में की डेफिनेशन में फॉल करके बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन ए रिसेंटली अपॉइंटेड अकाउंटेंट सजेस्टेड दैट द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन ऑफ दीज डिविजन्स जो है वो उसने कहा, उसने कहा कि उन्हें कहा देखें क्या करें आप, जो ए था वो यहाँ पे नॉर्मल था, यहाँ भी नॉर्मल था, यहाँ जो ये आपकी क्या है, ये देखें ये क्या है आपकी बैलेंस शीट है और ये क्या है, ये जो है ये आपका पी एन एल है. तो ये आपने दोनों बना दिए. अब डिवीजन ए जो था उसने कहा, उसकी क्या बात हुई थी, उसकी बात ये थी कि 2016 में हमने इसको कहा कि सेल करेंगे लेकिन 2017 में वापस ले लिया. तो उसने कहा कि यार ये तो नॉर्मल है. नॉर्मल क्या था, नॉट क्लासिफाइड हेल्ड फॉर सेल. उसने कहा क्या, उसने इसको पीपी में रखा, उसने कहा ये पीपी है और यहाँ पे भी पीपी है. ठीक हो गया जी. तो यहाँ पे अब क्योंकि ये डिसकंटिन्यूएशन है, उसने कहा यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूएशन रखा हुआ है, यहाँ पे इसको डिसकंटिन्यूएशन रखा हुआ है. तो 2016 में आपने इसको डिसकंटिन्यूएशन किया, जब डिसकंटिन्यूएशन किया तो यहाँ पे क्यों नहीं चेंज किया आपने,
या तो वहां पे भी नहीं करता ना, वहां तो उसने कह दिया यार डिसकंटिन्यूएशन है, तो डिसकंटिन्यूएशन तभी हुआ तो हेल्ड फॉर सेल हो गया, तो यहाँ पर उसको हेल्ड फॉर सेल करना चाहिए था, इसको पीपी में रख गया तो इसको हम सही कर देंगे। ठीक है जी, तो इसके सोल्यूशन देखें, तो यहाँ पे इसको हमने सोच में कहेंगे यार इसको भाई आप हेल्ड फॉर सेल कर लो, तो ये आपका काम ठीक हो जाएगा पहले डिविजन का। दूसरे में आप गए, उसने कहा जी आप यहाँ पे जो था 2016 में आपने कहा हेल्ड फॉर सेल करेंगे, 17 में वो सेल हो गया, तो डेफिनेटली से सेल हो गया तो वो डिस्काउंट नजर नहीं आएगा बैलेंस शीट में क्योंकि सोल्ड हो गया। 2016 की बैलेंस शीट बनेगी तो वहाँ पे तो हेल्ड फॉर सेल था, लेकिन 2017 में सेल हो गया तो जब 2017 की क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी उसमें वो नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात भी ठीक लग रही मुझे। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2016 में वो कंटिन्यूएशन था, 2017 में वो डिसकंटिन्यूएशन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो आप कि आपने यहाँ पे 2016 में इसको आपने रखा हुआ है, आपने कहा कि ये हेल्ड फॉर सेल है, तो ये कंटिन्यूएशन में कैसे आ गया भाई? ठीक है ना, जब हेल्ड फॉर सेल है तो डिसकंटिन्यूएशन होगा ना, तो उसने वहां पे इसको कंटिन्यूएशन रखा हुआ है, तो इसको आप सही कर दो। आपको नहीं भाई यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूएशन कर ले, जब तूने यहाँ पे हेल्ड फॉर सेल किया हो तो यहाँ पे वो आप जो है वो पीएनएल को ठीक कर लेंगे। तीसरे में आए, तीसरे में उसने बात सही की, उसने कहा 16 में साल में डिसाइड किया, 17 साल में सेल कर दिया, जब आपने 17 में इसको सेल कर दिया था वो डिसअपीयर हो गया, बात खत्म हो गई, लेकिन वो आपने इसको यहाँ पे ये क्या कर दिया भाई? यहाँ तो 16 में तो आपने डिसीजन ही लिया था इसको सेल करना है, आपने डिसीजन भी 17 में लिया, 17 में सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपने गलत कर दिया, तो इसको आप ठीक कर ले। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको आप नॉर्मल ले आएंगे, इसको आप हेल्ड फॉर सेल से निकाल देंगे। ठीक हो गया जी, तो ये इसकी सोल्यूशन आपकी आंसर आ जाएगी। तो यहाँ पर बस यही था कि आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो जो चीज बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, पीएनएल में क्या हो रहा है, तो आप इस चीज को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या पे गलती कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आया 2020 में, क्वेश्चन भवन बी में आया है, ये क्या कहता है जनाब? ये कहता है जनाब फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे इज फरवरी, वो कहता आज की डेट जो है ना वो फरवरी 1, 2020 की डेट है, हम इसकी बात कर रहे हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एच एल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 आर अंडर प्रिपरेशन इन दिस रिस्पेक्ट, फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। ऑन दिसंबर 2019 को क्या हुआ, आज की डेट क्या है, आज की डेट क्या है, आज हम बैठे फरवरी 20 से बैठे हुए हैं, दिसंबर 2019 में क्या हुआ? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एचएल डिसाइडेड टू सेल वन ऑफ इट्स मेजर लाइन बिजनेस, दिस सेगमेंट मेजर लाइन बिजनेस है तो आपका डिसकंटिन्यूएशन हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका डिसकंटिन्यूएशन की जो कंडीशन थी वो पूरी हो गई है। द सेगमेंट अर्नड अ नेट लॉस 2019 थ्रू इट वॉज सिग्निफिकेंट प्रॉफिट, पीछे तो बड़ा प्रॉफिट दे रहा था, इस साल 2019 में लॉस दे दिया। द ईयर एंडेड इट वॉज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 160 मिलियन फ्रॉम दिस सेल, वो कहता सेल होगी तो 160 मिलियन मिलेगा। द एक्चुअल सेल फॉर द सेगमेंट वॉज फाइनलाइज इन जनवरी 2020 एट द प्राइस ऑफ 145 मिलियन की सेल हो गई इसकी। ऑल क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सेगमेंट हेल्ड फॉर सेल्स वर मेट ऑन दिसंबर, तो वो कहता दिसंबर में मेट हो गया था, अगर ये क्राइटेरिया दिसंबर में मेट ना होता तो मैं इसको दिसंबर 2019 में इसका हेल्ड फॉर सेल का ट्रीटमेंट करता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई ये हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया जो है दिसंबर 2019 में मेट हो गया था, तो लिहाजा आप इसको हेल्ड फॉर सेल करेंगे। When the carrying amount of the assets and liabilities of segment appearing in the financial statements were as follows, वो कहता क्या फ्लो कर रही है, कहती है कैरिंग अमाउंट उसने क्या पीपी कितना उसका इंटेंजिबल एसेट्स करंट एसेट्स नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसने उसको बता दिया कि 2019-2018 में कितनी शो हो रही थी। अब 2019 में क्या किया हमने, इसको हेल्ड फॉर सेल कर दिया हुआ, ये जो इसमें तो पीपी रहेगा ना इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसको तो हेल्ड फॉर सेल हो गया ना तो इसको तो हम चेंज करेंगे। No change has been made in the amounts and presentation in the financial statements in respect of the board of directors decision. उन्होंने कहा यार कुछ चेंज ही ना करो आप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कह दिया। Require discuss how the above matters will be discussed in 2019 में कैसे डिस्कस होगा, तो वो डेफिनेटली आपको जो है ना इसको चेंज करना पड़ेगा ना, डायरेक्टर ने कह रहे थोड़ी अनचेंज करेंगे इसको, तो यहाँ पे आप इसको चेंज करना पड़ेगा। इसका आंसर जो है यहाँ पे दिया और यहाँ से इसका आंसर शुरू हो जाएगा। कहता द एसेट्स ऑफ सेगमेंट शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम अदर एसेट्स, तो वो हमको आपको उसको सेपरेट आपको पीपी से निकाल के उसको कहाँ करना पड़ेगा, आपको सारे एसेट्स निकाल के यहाँ से कहा ले जाने पड़ेंगे, आपको आपको अलग से सेपरेट शो करना है हेल्ड फॉर सेल के नाम से, और किस पे करना है, डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे करना है, तो यहाँ पे आप जो है कैरिंग वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल उसकी कैलकुलेट कर देंगे।
While the liabilities of the segment would be presented separately, the liabilities जो है separate show करेंगे आप, ठीक है जी। इसी तरह statement of profit and loss account जो है उस पर आप क्या करेंगे, आप discontinued operation दिखाएंगे उसका, ठीक है जी। आप continued operation दिखाएंगे उसका, और आप जो आपने जो ऐसे show करा है उसको आप discontinued operation दिखाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपकी सारी theoretical answer था। उसके बाद जनाब क्वेश्चन आता है आपका दिसंबर 2017 में, क्वेश्चन 1A है। यहाँ पे ये क्या कहता है आपको, कहता था फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू द कैश जनरेटिंग यूनिट है उसका, केएल का, उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसने क्या किया, उसने कहा जनाब उसकी बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, लाइसेंस है, इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, कॉस्ट है, गुडविल है, इन्वेंट्रीज है, सारी चीज़ आपको एसेट्स बना के दिए हुए। उसने कहा उसके फेयर वैल्यू साथ दे दी। उसने कहा यार ये जो है ना, ये क्या है आपका इक्विपमेंट जो है, इसको उसने कहा कि ये नॉन मेजरेबल, इसको मेजर नहीं कर सकता बेचारा किसी तरह से। अच्छा जी, उसके बाद ये भी आपके नॉन मेजरेबल है, ये भी नॉन मेजरेबल है, ठीक है जी। तो ये क्या आपका गुडविल, गुडविल तो वैसी बेचारी वैसी खत्म हो जाएगी। आपका नेशनल प्रॉपर्टी एट कॉस्ट मॉडल पे दिया हुआ है, और ये जो है इक्विपमेंट जो है आपके, ये उसने कहा आपके नॉन मेजरेबल है, बाकी की उसने फेयर वैल्यू आपको निकाल के दे दी। आगे कहता था बैलेंस सरप्लस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग जो है वो 83 मिलियन। अब बिल्डिंग जो है वो तो रिवैल्यू हो गई है, यानी कि मॉडल बिजनेस मॉडल जो है ये जो है ये जो है ये रिवैल्यू हुई है, इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई है। आपके पास ओसीआई में सरप्लस पड़ा हुआ है। कहता वैल्यू इन यूज ऑफ द फेयर वैल्यू और लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑन जिन जो है वैल्यू इन यूज कितनी है वो आपकी ये 1 मिलियन है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ चेंज जो उसकी 95 मिलियन है। अगर इसको फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल निकालूँ इस यूनिट की तो वो मिलती है 50 मिलियन, लेकिन अगर मैं इसको खुद यूज करूँ तो मुझे इसको इससे मिलेंगे 100 मिलियन, तो विच वन इज लेस 95 मिलियन जो वो लेस हो गया, तो मुझे इसको 95 मिलियन पे लेके आना है, विच वन इज लेस पे लेके आना। ये जो मैंने निकाला ना वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज जो है ये इसकी फेयर वैल्यू है, वैल्यू इन यूज होती है बेसिकली, वैल्यू इन यूज होती है उसको हम फेयर वैल्यू ही बोलते हैं। वो हम IAS 36 जो है ना वो बोलते हैं वैल्यू इन यूज जो है वो आप उसके निकालने हैं, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो बनती है, उसको फेयर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है जी। और उसने कहा लेस कॉस्ट ऑफ सेल, उसने कहा वैल्यू इन यूज तकरीबन आपकी फेयर वैल्यू है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल 95 मिलियन, आप उसके 95 मिलियन जो आप विच एव इज लेस जो है उसको बताएंगे। रिक्वायर्ड क्या है जिसमें, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ए पेमेंट एंड रिलेटेड टू रियल एसेट्स, कहते हैं कितना पेमेंट हुआ है और उसको इंडिविजुअल एसेट्स में आप एलोकेट भी करें। आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, उन्होंने तय कि प्रॉफिट लॉस को आपने कितनी अमाउंट चार्ज करनी है ये भी आप बता दें। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द बजट ऑफ नेट कैश फ्लोस ऑफ CGU है। और इसका जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये वाला जो है, ये हम बेसिकली डील करने लगे हैं, इसका मैंने आंसर, ये हमारा रेलिवेंट है इससे, उसमें बात करते हैं। वो कहता है KL decided to dispose of CL as a group of single transactions and classify the held for sale carrying value of all the individual assets remeasured in accordance with the applicable IFRS. अब देखें कि आपकी वैल्यू जो है, आपकी ये जो है आपकी कैरिंग वैल्यू है, तो ये सारी कैरिंग वैल्यू जो है आपने यहाँ पे इसके आगे लिख ली, और उसका टोटल कितना आया, 1,17,000 आया, और हमने कहा कि उसकी विच एवर इज लेस क्या है, विच एवर इज लेस आपका आपकी 95 मिलियन जो है वो हमने कहा था इसकी जो है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल है। तो इस सब का टोटल कितना आया, और इसका डिफरेंस जो है वो आपने लेना है, वो आपने यहाँ पे ले लिया, आपने कहा जिसका डिफरेंस है वो आपका ये 22 मिलियन जो है ये इसका इम्पेयरमेंट आ गया। अब इस इम्पेयरमेंट को हमने क्या करना है, इस इम्पेयरमेंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने तमाम एसेट्स के ऊपर। अब यहाँ पे देखें सबसे पहली बात क्या होती है, पहले गुडविल को जीरो करेंगे आप, तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि पहले गुडविल को जीरो करो, तो आप क्या करेंगे, आप 22 में से गुडविल को माइनस करेंगे, तो 22 माइनस 3 तो कितना बच गया आपका 19। अब ये 19 जो है इसको हम ब्रेक करेंगे दूसरे एसेट्स में, ठीक है जी। तो हमने पहले ये बात की थी ना, पहले गुडविल को जीरो कर लो, गुडविल को जीरो कर लिया तो हमारा 22 मिलियन का जो लॉस था वो 19 मिलियन पे आ गया। अब वो कहता है जनाब ये जो आपका प्रॉपर्टी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है इसको छोड़ दें, और आपका जो ये है इन्वेंट्री जो है NRV पे जो है इसको आप छोड़ दें। इसको आप क्यों छोड़ दें वो आपको ये बता रहा है कि देखें नो पेमेंट इज एलोकेटेड ड्यू टू स्कोप ऑफ आउट ऑफ द एसेट। वो कहता है ये जो एसेट्स हैं ये आउट ऑफ स्कोप है। तो जब हमने पहले बात की थी, हम स्टैंडर्ड पढ़े थे, जो एसेट आपके आउट ऑफ स्कोप होंगे उसके ऊपर जो है इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं होगा। उसको हम कैसे इम्पेयर करेंगे, उसको हम उनके रेलेवेंट स्टैंडर्ड पर जाके जो है वो इम्पेयरमेंट कर सकते हैं अगर वहां पे हो रही है।
लेकिन यहाँ पे जो ये जो पेमेंट है ये हम इनको चार्ज नहीं करेंगे, और बाकी में जो है हम कैरिंग अमाउंट की जो रेशियो निकलेगी उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारा जो था स्टैंडर्ड जो है आज का ख़त्म हो गया। हमने इसके आईकैप के पेपर भी कर लिए हैं, और ये हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर जो हमारा आईकैप का था 14, चैप्टर नंबर 14 जो है वो हमारा अभी जो है इसके साथ आज ख़त्म हो गया। ये इंशाल्लाह जो है मैं इसकी रिकॉर्डिंग हमने कर ली है, इसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे हमारे ग्रुप के अंदर। ठीक है जी, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं, तो हम आपका आंसर करते हैं, फिर इसको इनवाइट करते हैं। जी सर, शहजाद साहब आपकी आवाज़ पर मुझे ना कम कम आती है, पता नहीं शायद आपके कुछ हेडफोन में मसला है शायद। जो 100 डाली हुई थी फेयर वैल्यू, चले बोले क्वेश्चन क्या है? सवाल में पिछले फॉर्म का था, पिछले आईएफएस 2 से बारे में क्वेश्चन है, आईएफएस 5। हां जी बोले, क्वेश्चन क्या है? सवाल नहीं किया अभी आपने, आपने आप आपको क्वेश्चन में समझ नहीं आया, दोबारा करेंगे। सवाल किया ना पिछले अभी? हाँ वो मैंने कर दिया यार, मैंने इसके इस आप बाद में ज्वाइन किया था आपने, वो जो क्वेश्चन था ना वो मैंने इस वीडियो को आप स्टार्ट से देखेंगे, मैंने उसका आंसर दोबारा किया। वो लास्ट क्वेश्चन जो था ना वो पिछले वीडियो में गलत हो गया था, वो आपने जब थोड़ा पूछा ना मुझसे तो मैंने उसको 1 ईयर पे कर दिया था, तो वो मैंने अभी ये वीडियो स्टार्ट होती है ना उसमें मैंने सॉल्व कर दिया दोबारा। ठीक है, ये तो पीछे जो सवाल किया लास्ट क्वेश्चन मैंने दोबारा किया, इस वीडियो के स्टार्ट में किया मैंने, ये वीडियो जो स्टार्ट होती है ना उसमें मैंने इसको दोबारा किया है। ये जो आईएफआर 5 का जो सवाल किया अभी जो किया लास्ट। हां अच्छा, इसका जो किया अभी लास्ट, अच्छा उसमें, अच्छा अच्छा मैं खोलता हूं एक मिनट सर, ये वाला। हाँ जी, इसमें ये आपने 117 कैरिंग लगी हुई है इसके ना? हां सबको जमा किया ना आपने, सबको जमा कर लिया मैंने बनाया ना, जो 100 रुपया दिया हुआ है ये 100 मिलियन फेयर वैल्यू, वो 100 मिलियन आपका यूज है ना, तो आपको वैल्यू इन यूज ही चाहिए, आपको चाहिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। हमारा स्टैंडर्ड कहता है आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेके आए, वो जो वैल्यू इन यूज होती है वो फेयर वैल्यू होती है, वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होती। ठीक है, हेलो, ठीक हो गया? ठीक हो गया, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, तो आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल छोड़ ही दिया, वो फेवरेबल में चाहिए ना, पर फेवरेबल लेस कॉस्ट ऑफ से चाहिए ना, वो उसने दी 95, अगर नहीं दी होती है वो तो वो आपको बताता कि इसके कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, तो हम 100 में से माइनस कर देते, वो आपकी फेवरेबल लेस कॉस्ट ऑफ सेल हो जाती। ठीक है जी, चले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।